हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल यमी रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए यमी रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्याम जी का वाईफाई कौन, जिसके साथ टोमेटो चटनी कैचअप फ्री है। देखिए किस तरह के लट्टू बने हुए हैं। और दूसरा हमारा है श्याम जी का ही है क्रंचो क्रिस्पी स्नैक्स। तो इन दोनों स्नैक्स में देखते हैं दोस्तों किस तरह का अंतर है। अगर आपने इनको टेस्ट किया है तो जल्दी से मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आपको कैसा लगा। दोनों पे ग्रीन डॉट है, हमें बताता है कि दोनों के दोनों वेजिटेरियन आइटम है। तो दोस्तों, पहले हम श्याम जी क्रंचो क्रिस्पी स्नैक्स और मसाला मंच को आपके सामने जल्दी से ओपन कर देते हैं। न्यूट्रिशंस वैल्यू और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्राइस, कितने दिन चलेगा, 4 महीने तक ये चलता है मैनुफैक्चरिंग के, वो सभी इस पर इंफॉर्मेशन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसका किस तरह से इन्होंने शेप बनाया है। और दोस्तों, ये आपको हमने पहले भी रिव्यू किया है किस तरह के आइटम को, ये जो बड़ा फेमस है ये बिल्कुल उसी तरह के ये हमें आइटम नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरह का है। देखिए, ये 5 रुपए का पैकेट है, ये इसमें निकलता है। और दूसरा हमारे पास ये है वाईफाई कॉर्न श्याम जी का। देखते हैं ये कॉर्न किस तरह के निकलते हैं टोमेटो केचप के साथ। और मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपके लिए कर दूं जल्दी से। तो देखते हैं दोस्तों, वाव। इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दूर से ही मुझे इन कॉर्न्स में से टोमेटो की खुशबू दूर से ही महसूस हो रही है। अब देखते हैं कि ये किस तरह के टेस्ट में आगे निकलते हैं। और ये मैंने आपके लिए इसको अनबॉक्स कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये वाकई में कॉर्न की शेप है। और ये हमें याद दिलाते हैं कुरकुरे की शेप। ये टोमेटो केचप इसके साथ निकला है वाकई में, जो इसमें बाहर लिखा था। तो हम टोमेटो केचप को काट लेते हैं और देखते हैं कि ये टेस्ट कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें कॉर्न निकले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कॉर्न्स। और ये है दोस्तों सबसे बड़ी बात है स्नैक्स में कि क्रंचीनेस कैसा है। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तेल तो इसमें मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं, तो मुझे लगता है अच्छे से बेक्ड है। आप सुनिए क्रंचीनेस। यस, कॉर्न्स में क्रंचीनेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि ये दूर से ही, ये देखिए आप लोग सुन पा रहे हैं, ये भी क्रंची हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा क्रंचीनेस मुझे कॉर्न्स में है उतनी इसमें नहीं है। देखिए, आवाज़ तो आप तक पहुंच रही है, ठीक है। अब मैं इसका टेस्ट करके आपको जल्दी से बता दूं कि ये कैसे हैं। एक पीस और छोटा था, काफ़ी मसालों का ठीक प्रयोग किया गया है, तो ये कुरकुरे की तरह हमें इसका टेस्ट लगता है। अब मैं कॉर्न को टेस्ट करके आपको बताना चाहता हूँ कि ये कॉर्न कैसा लगता है। आपने किसी प्रोडक्ट को टेस्ट किया है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इसमें थोड़ा मीठापन है जो कॉर्न है। और अब टोमेटो केचप के साथ देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगेगा। टोमेटो केचप के साथ मुझे लगता है कि एक टेस्ट और कर लें, छोटा सा पीस। दोस्तों, आज के इस कंपैरिजन में मुझे लगता है ये बाजी मार रही है कॉर्न्स ने, क्योंकि कॉर्न्स में एक अलग टेस्ट है। केचप साथ आता है तो उससे उसका टेस्ट अलग से ही बन जाता है। क्रंचीनेस भी इसमें ज़्यादा है। कुरकुरे में भी ये ठीक हैं, लेकिन आज का विनर है कॉर्न्स। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आप चाहते हैं मैं किसी स्पेशल प्रोडक्ट का रिव्यू आपके लिए करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों, जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए यमी रिव्यू के साथ। थैंक यू दोस्तों।